बात बताना चाहता हूँ। ईद के दूसरे या तीसरे दिन सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं मालूम है आपको? ससुराल। अरे वाह जी हो मेरे लाल, ये देख रहे ससुराल, ससुराल जाते हैं ससुराल। वो फूल ही क्या जिसमें लाली नहीं, वाह क्या खूब। वो पेड़ ही क्या जिसमें डाली नहीं, वो बाग ही क्या जिसका माली नहीं, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली नहीं। क्या बात करते हैं भाई, ये है मधुबनी। अरे आपकी शराफत को सलाम। तो मेरे दोस्तों दूसरे दिन जाते हैं फौरन, शमशेर जहानागंज भी ईद के दूसरे के दिन अपने ससुराल गए, घर गए वहां। तो जाने के बाद इनकी सास ने इनको 100 रुपया दिया। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया दिया, एकदम बरहाना हो गए, गुस्सा में आए और आते ही अपनी मैडम से कहने लगे कि पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ मेरी बेइज्जती की है, मेरी तौहीन की है। जब मैं नात पढ़ता हूँ, जब मैं गजल पढ़ता हूँ तो कोई 100 नहीं दिया, 500 के नोट आते हैं। मैं 150 का केला लेके गया था, तुम्हारी माँ 100 रुपया देके मुझे वापस कर। ये बेगम को लाने पहुंचे थे ससुराल, तो इन्होंने जैसे ही कहा अपने बेगम से कि हमारी बेइज्जती, तो उनकी बीबी सर पकड़ के बैठ गई। तो शमशेर साहब समझे कि लग रहा है कि मेरे पक्ष में है, लेकिन औरत के आगे, होम मिनिस्टर के आगे किसका चलता है भैया? उसमें आप भी मुलव्विस है, हम भी मुलव्विस है। बड़ी लंबी लंबी बात यहाँ पे करते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चलती है। और ये पूछना हो तो जियाउल्लाह रहमानी से पूछ लीजिए, 2-2 इंजन लेके हुए हैं माशाल्लाह, डबल डबल लेके चल रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, और तीसरे की उम्मीद है, दुआ कीजिए। हाँ, तो मेरे दोस्तों अब जैसे सर पकड़ के बैठ गई तो कहा क्या हुआ करा ये? तो उनके बीवी ने कहा शमशेर के कि भाई तुम भले ये बताइए, आप हमें लेने गए थे, लेने आए थे या केला बेचने गए थे आप? ठीक है, तो ये होता रहता है, थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहें, बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आइए आपके दरमियान, मैं 2-3 मिसरे कहते हैं, सुन लीजिए। अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि साली वाले ससुराल वाले, कासिम भाई सलाम, आपके मुखिया पद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने जीत हासिल की, और हीरा भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये जंग है और इसमें जीत हाथ माशाल्लाह दोनों की बड़ी अच्छी मोहब्बतें हैं, अल्लाह दोनों भाई को सबको सलामत रखे। शेर देखिएगा, देखिएगा, एक भोजपुरी में 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। इरशाद हो, इरशाद हो भाई। खेत के हु और के, खेत के हु और के, बोआ तक के हु, सुनिएगा, खेत के हु और के, बोआ तक के हु, बोझा बीमारी के ढोआ तक के हु, सुनिएगा, देखिएगा जियाउल्लाह भाई, मजा आने वाला है चौथे मिसरे पे। खेत के हु और के, बोआ तक के हु, अब बोझा बीमारी के ढोआ तक के हु, मिस कॉल आइल मोबाइल में ऐसन, बजत के हु के टोआ तक के हु, मिस कॉल आइल मोबाइल में ऐसन, बजत के हु के टोआ तक के हु।